हकीम साहब, जब हम बात करते हैं जैतून के सिरके के बारे में, वैसे तो अगर किसी को कोई रोग होता है जिसके लिए जैतून के सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, उसे तो उसको लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर किसी को कोई रोग नहीं है और वो सुबह शाम जैतून के सिरके का इस्तेमाल करता है, तो तब भी उसको आराम मिल सकता है, आने वाली बीमारियों से वो बच सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। अच्छा जी देखिए, जो पुराने लोग हैं वो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको इसके फायदे मालूम रहते थे और रहते हैं, जी और वो बगैर रोग के इस जैतून का सिरका अपने खाने में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं या करते थे। आज से 100 साल पहले इसका चलन था कि हर घर में जैतून का सिरका होना अनिवार्य है। तो उससे क्या फ़ायदा होता था कि इसको इस्तेमाल करने वाले को डायबिटीज़ कभी नहीं होती थी और उनका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता था। चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो कि ये जैतून की वजह से, जैतून के सिरके की वजह से ऐसा होता है, लेकिन 100 साल पहले करोड़ों में एक आदमी को भी डायबिटीज़ नहीं होती थी। तो डायबिटीज़ के लिए ये इतना अच्छा है कि डायबिटीज़ होने नहीं देता और हो तो उसको कंट्रोल रखने की भी सलाहियत रखता है। और कोलेस्ट्रॉल का बड़ा दुश्मन है, दिल का रोग ही नहीं होता था पहले, 100 साल पहले दिल के मरीज़ नहीं होते थे, और आज 60% लोग जो 40-45 से बाद के हैं उनमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मर्ज, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन यानी दिमाग की बीमारियां, फालिज लकवा, ये लाजमी तौर पर होने लगा। और अगर हम बगैर रोग के जैतून का सिरका इस्तेमाल किया करें तो हम इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।